योर हेल्प। 20,000 का माल है कंकाल, सबसे बेस्ट लूट डील है हमारी। सही नहीं आवा 10 रुपए 10 का 1। भाई पापा मेरे बहुत मुश्किल से खुश होते हैं, पापा भी खुश हो गए। Hi guys, welcome to today's vlog. So, 11:15 हो रही है, मैं वैसे आधा पौन एक घंटे के आसपास पहले या उससे ज्यादा ही पहले उठ गया था। मम्मी सुबह से पता नहीं मासी को बुला के उनका मेकअप करने में लगी थी, मैं आपको वीडियो अगर दिखा पाया तो वो भी दिखाऊंगा। अभी ब्रश करके रेडी हो गए हम, निकल रही है मतलब मम्मी निकल रही है तो मैं छोड़ने जा रहा हूँ उधर जहाँ पे वो लास्ट आज सेमिनार की क्लास है। और यहाँ पापा बैठे हैं सेवैया और पापड़ खा रहे हैं मस्त। मम्मी जल्दी से 5 मिनट रेडी होकर निकलेगी, तब मैं आपको इंतजार से मिलाता हूँ, पता नहीं कब आगे। हाय बोले उसकी प्रैक्टिस करी मैंने, कहा आप क्या करो सुबह रात को, तो वो पार्लर में भीड़ थी तो फिर मैं बहुत देर से फ्री हुई 10 बजे रात को, तो फिर है ना मैं सो गई थक के, वहाँ से आई थी ट्रेनिंग लेके, फिर पार्लर में भीड़ थी फिर सो गई। फिर सुबह मेरी 5 बजे नींद खुली, मेरे को टेंशन हो गई कि आखिर मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा एक मेरी बहन है सुबह सुबह भगवान का नाम लेती है और बाल भी है ना लंबे हैं और उसकी हेयर स्टाइल बना लेती है। समझ आया, सुबह मैं 5 बजे उठ के बस प्रैक्टिस कर रही है अपनी मतलब मेरी मासी के ऊपर। हेयर स्टाइल है ना ब्राजीलियन तो हेयर स्टाइल मैंने मेरी बहन को बुलाया और फोन किया, वो डर गई सुबह उठ के, क्या हुआ। मैंने कहा देख मेरे को एक हेयर स्टाइल की प्रैक्टिस करनी है, आई नीड योर हेल्प। तो बोला हाँ मैं तेरी हेल्प तो करूँगी, तो बोला कि हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। वो 6 बजे आई, 6 बजे से लेके 7-8 बज गए मैंने प्रैक्टिस की और फिर वीडियो बनाने में मैंने ना इतना टाइम गवा दिया। आपको क्या लग रहा है इंटरव्यू है? इंटरव्यू नहीं चल रहा है मम्मी, ये व्लॉग है गाइस। मम्मी को तो ड्रॉप कर दिया गाइस, मैं लग रहा हूँ कि द डार्क नाइट, देख लो ब्लैक हेलमेट ब्लैक कपड़े, वो चप्पल हरी पहन ली क्या, ब्लैक गाड़ी। तो गाइस अभी 5-10 मिनट पापा के साथ कुछ काम से जाना है फिर वापस घर पे आएंगे। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे गाड़ी साफ कर ही रहा है भाई, तो इससे पाइप लेके मैं भी अपनी गाड़ी साफ कर लेता हूँ। इन्फ्लुएंसर खुद की गाड़ी खुद धोते हैं। बाबू तो गाइस अब 1 बज चुकी है, मैं सोच रहा हूँ कुछ काम वाम कर लूँ, पर बीच में बाहर से घंटी आ गई और जो बच्चे की तरह जो खुश होते हैं ना वैसे भी नहीं था, खुश हो चुकी है। ऐसा क्यों लग रहा है तूने किसी लड़की को पजामा पहना? क्योंकि मैंने लड़की का पजामा पहना है या मम्मी का पजामा है, विनीता को दिया, विनीता ने मुझे दे दिया, हम ऐसे पास ऑन करते रहते, मेरे को सबसे अच्छा लग रहा है। पर होली का रंग भी नहीं उतरा इससे। कोई बात नहीं, मेरे को इतना बढ़िया इतना कंफर्टेबल पजामा है ना भाई, मेरे को बचपन में कोई कंफर्ट की आदत नहीं थी, जींस पहन के सोता था मैं, इसने हरकतें कर करके मुझे पता ही नहीं क्या अजीब अजीब से कपड़े पहना चालू किया, मुझे कंफर्ट चाहिए होता है हमेशा। वैसे तो मैं ऐसे कोई डिशेस वगैरह का फैन नहीं हूँ, पर आज मैंने स्पेशली बोल के मतलब आज नहीं 2 दिन से बोल रहा था मैं कि राजमा चावल खाएंगे यार, राजमा चावल बढ़िया लगते हैं, तो आज बना है राजमा चावल। और विनीता जब तक खाना रख रही है के बाद मैं दाढ़ी कट कराने जा रहा हूँ, 4:30 बजे शूट करूंगा मैं। हाँ यार 4:30 बजे शूट करूंगा और 5-5:30 तक कंप्लीट हो जाएगा शूट, बहुत छोटा सा शूट है। सर को फोन करके अपडेट कर देता हूँ। बने बढ़िया से राजमा चावल जो विनीता बोल के, नॉट सो बढ़िया। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो भाई बहुत आराम कर लिया, अब टिफिन देके दाढ़ी सेट करा के आते हैं, तो बाल कटाएंगे और दाढ़ी सेट कराएंगे, थोड़ा सा ग्रूम रखेंगे खुद को भाई, रील भी तो डाली है मैंने, 15 दिन में एक बार हेयर कट कराना चाहिए तो मुझे तो कराना ही चाहिए। दाढ़ी रखने के लिए इतना खराब लगता है ना मेरे को मेरा एरिया यार, मतलब आपके सामने साफ की थी मैंने, देखो वापस गंदी कर दी। जल्दी से टिफिन देते हैं फिर देखते हैं पापा का क्या मूड है। अभी तो मैं दुकान आया, पता पड़ा पापा कहीं काम से गए हैं और जो है ना और जिन अंकल के साथ गए उनके पास में ही शॉप है, उनके लड़के को बिठा के गए थे यहाँ पे, तो मैंने बोला मैं ही बैठ रहा हूँ आप चल जाओ, तो पापा जब तक आते हैं यहाँ बैठते हैं उसके बाद चल जाएंगे हेयर कट कराने। भाई पापा तो आ गए, गाड़ी आ गई है, देखो दोनों बैर पर एक्सेस ही है, और अब मैं जाऊँगा दाढ़ी सेट कराने, थकान हो रही है थोड़ी सी, पर जाऊँगा दाढ़ी सेट कराने। तो भाई पहुँच गए मेरे सैलून पे जहाँ पे मैं जाता हूँ, ये रहा भाई देख लो भाई हेयर स्टाइल है, खुद की हेयर स्टाइल करा रहे हैं। चलो भाई सब जल्दी से दाढ़ी सेट कराते हैं, हेयर कट लेते हैं। हेयर कट तो हो गया कंप्लीट, अब दाढ़ी की बारी है। ठीक है लाइफ भैया निकलता हूँ, घर पहुँच के नहा धो के शूट की तैयारी करते हैं। गाइस वैसे तो मेरा अभी वाओ का शूट था, पर अभी ना शूट कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैं लेट हो गया था ऑलरेडी, और मुझे लग ही रहा था मैं आज नहीं करूँगा कल करूँगा, आज अमेजोन का अपन लाइव जो है रात को वो करेंगे। इसके अलावा अभी मम्मी का फोन आ गया, मम्मी को लेने जाना है, तो मैं जल्दी से नहा लेता हूँ और फिर लेने निकलता हूँ। गाइस यहाँ पीछे देखो मम्मी आ गई है। चलो भाई मम्मी 3 दिन की क्लास हो गई, मजा आ रहा है घर पे आके। चलो अब गाइस जल्दी से इनकी अनपैकिंग कर लेते हैं क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। शक्ल देखो इसकी, शक्ल देखो बदकिया
तो गाइस जैसे डेक्सटर लैबोरेटरी में अलग अलग चीजें बनाता था, मेरी बीवी ने भी पता नहीं क्या मिश्रण लगा लगा के बनाई है चीजें। देखो भाई देखो, धुएं निकल रहे थे, धुएं दो मिनट पहले तक। ओ माय गॉड। चलो भाई अब ये सेकंड पार्सल खोल लिया, अब थोड़ा सा और खोलते हुए आपको दिखाता हूँ मैं। चलो गाइस अब अगला पार्सल। सारा माल मैंने खुद के पैसों से मंगवाया, सोचो 20,000 का माल है, क्योंकि सारे महंगे महंगे कपड़े यार। ब्रांड ने बोला इनमें से सिलेक्ट करने, तो मैंने इनमें से सिलेक्ट किए, सारे वापस जाएंगे। और अगर इसमें से एक भी पार्सल रिटर्न नहीं हुआ तो मुझे सीधे सीधे 2,000 या 3,000 रुपए लॉस हो जाएगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, मैंने सब चेक किया, सब रिटर्नेबल है। तो जैसे ही लाया होगा मैं कल ही सब कुछ रिटर्न पर डाल दूंगा। 20,000 भाई मेरे पास है ही नहीं, कहां से लाऊं? इससे उधार लिए थे, बहुत पैसे वाली है भाई, बहुत पैसे वाली है। मेरे को मिल रहा है आईफोन, उसके बाद मैं बोलूंगा तू कौन? मैं दिला रही हूँ हितेश को 14 प्रो, उसके बाद वो बन जाएगा क्रो। कट करो, बड़ा बेकार। अब तो हो गया है यहाँ पे, अभी बस कपड़े लगाने इसके ऊपर। और अभी हम जा रहे हैं हैंगर्स लेने, वुडन हैंगर्स लेने जा रहे हैं। देखो इस साइज के लेने हैं, इसलिए हमने रेफरेंस के लिए ले लिया है। और अब जल्दी से निकलते हैं क्योंकि भाई आना भी है वापस, 8:30 तक मुझे प्रिपरेशन करके रखनी है, 1.5-2 घंटे में आना है वापस। चलते हैं शॉपिंग। पहले हम जा रहे हैं कहाँ पे? अभी चल रहे हैं डिग्गी, क्योंकि कल मुझे करनी है स्मूथनिंग भाई, इसका कुछ मेक वो है शूट ही मान लो, और साथ में काम भी है, वहाँ जा रहे हैं हम। और अभी फिलहाल हम निकल रहे हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हैंगर वगैरह लेने जा रहे हैं भाई। और अभी भी नहीं तक ये देखो अंदर, ये तो कुछ काम की चीज़ें लेनी है अपनी, और फिर मुझे ढूंढना है मेरे को जो काम की चीज़ है वो कहाँ पे मिलेगी। बहुत जल्दी की है, अब ये सामान हम रख के फिर अपने काम से निकलते हैं। दूसरे हम गए जो प्लास्टिक की दुकान है वहाँ पे देखने, पहली दुकान देखी वहाँ तो नहीं मिला, 3-4 और दुकानें देखेंगे फिर क्या पता मिल जाए भाई, क्योंकि अब ये बताने वाली है कौन सी दुकान पे जाना है। पता भाई कौन सी दुकान पे जाना है? दुकान नंबर 2 पे आए हैं, इनका पूछने गई अभी अंदर, देखते हैं क्या होता है। अगर बुलाया तो समझ जाऊंगा मैं पढ़े हैं। अल्लाह लाइव भी है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। है नहीं है क्या बोले? कवंडसपुरा में हिंदलॉक वाला। तो हमने इतना बढ़िया काम किया, जो फ्रेश हैंगर मिल रहे थे ना वो मिल रहे थे 360 रुपए के। मैंने एक दुकान वाले से पूछा कि भैया वुडन हैंगर आपके पास मिलते हैं? बोले हाँ हमने देखे ना, शायद उनके साथ में ही मिलते हैं। उन्होंने मुझे यही हैंगर 100 रुपए में दे दिए, जो मुझे 360 के मिल रहे थे एक फ्रेश दुकान से। देख लो भाई ऐसे बचते पैसे। तो भाई जी हमने हैंगर ले लिए, सबसे बेस्ट लूट डील है हमारी। सही नहीं आवा 10 रुपए में, 10 का 1। भाई पापा मेरे बहुत मुश्किल से खुश होते हैं, पापा भी खुश हो गए। विनीता पार्टी दे रही है क्योंकि मेरा भी लाइव आ गया, मेरे को कॉफ़ी पिला रही है। तो अभी मेरे को भूख लग रही है, ये कॉफ़ी पी के हम थोड़ा घर की तरफ ही मुड़ेंगे, जस्ट फॉर कैमरा। ओके विनीता वहाँ जाके धरना देने लग गई है, बोले कॉफ़ी दो मेरे को, शुगर के पाउच ऐसे गायब करती है ये। जैसे तो भाई क्योंकि घर में शुगर ही नहीं हुआ हमारे, कोई अभी मेरे को इशारे बता रही थी, मैंने ले लिया था। देखो क्या दिखा रही है, बोल रही है बिल नहीं मिले तो फ्री। शुगर के पाउच ले लिए गाइस, तो हमने कॉफी ले ली, अब थोड़ा सा एनर्जाइज फील हो रहा है यार, मुझे थोड़ा सा लो फील हो रहा था पता नहीं क्यों। गाइस अभी घर पे आया हूँ, 8:45 हुई है, 15 मिनट में मेरा वो स्टार्ट है सेशन जो भी है। जल्दी से सेटअप दिखाता हूँ मैं, ये देखो फिलहाल शूज तो रख दिए, अभी सारा ये पलंग वलंग खिसकेगा, सुबह टाइम लैप्स चलाता हूँ एक। गाइस तो मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, विनीता भी रेडी है, और ये रिंग लाइट लगा रखी है यहाँ पे, ये हमारा सेटअप ऐसा कुछ दिखेगा। देखो अभी स्टैंड पे लगा के आपको मैं थोड़े बहुत स्निपेट दिखा दूंगा, मैं जल्दी से वो मीटिंग ज्वाइन करनी मुझे वो करता हूँ। तो गाइस अभी मेरा सिर्फ 20 मिनट में लाइव चालू होने वाला है, सारे जो भी डाउट्स मैंने क्लियर कर लिए, और तुषार भी आ गया बाहर। तेरा काम तो आज बाहर है, अभी तेज का लाइव होने वाला है स्टार्ट, और ये कुत्ते तैयारी कर रहे हैं कि अब हम वॉकेंगे, बस तैयारी चल रही है, अभी आवाज नहीं निकल रही, फिक्स 10 बजे आवाज निकलेगी। लाइव कर नहीं रहा, पर मेरा माथा खा रहा है पीछे से, जब तक अनपॉपुलर डुओ नाम है तो डुओ का भी तो कुछ रोल होना चाहिए ना, स्किन केयर दिखाना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है? और तुम लोग मेरे चैनल पे भी मेरा स्किन केयर देख सकते हो, ठीक है? तो यार तो दिखा देना। हाँ भाई, क्या भाई प्रैक्टिस कर रहा हूँ। Hey guys, welcome to today's live, specially Amazon's live, and आज का हमारा टॉपिक है the best of fashion for spring summer. बाव 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 नहीं कर रहा यार, जोड़े मैंने। Very good. देखा और मैं कुत्तों की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा रहा हूँ जी। तुषार जी तुषार आप पीछे बैठे बैठे कमेंट कर रहे हैं उसके लाइव, अभी हितेश का लाइव चल रहा है और कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से उसके ऑडियंस उसके व्यूअर्स कुछ भी शो नहीं हो रहे हैं ना कमेंट शो हो रहे हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तुषार मैं और मेरा भाई सिर्फ कमेंट पे बकवास कर रहे हैं। मतलब पहले का दिखानी थी, लास्ट टाइम आ चुका है, चलो ठीक है ये है टील का 360 ले लीजिए आप इसका, इस पे पैटर्न्स है, इस पे दिख रहे हैं आपको व्हाइट कलर के बिल्कुल स्लाइड पैटर्न्स हैं। लाइंस जैसे हैं, एक लाइन मान लीजिए बोल्ड कर दे अगर किसी लाइन को तो वो लग रहा है। ये है एरो की। गाइस लाइव तो खत्म हो गया, पर इतना अजीब सा हुआ ना मेरे साथ सीन,
अभी मैच को भी क्लीन करना है, भाई को व्लॉग देना है।